गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम इस समय एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव यूनिट पढ़ रहे हैं और हमने एक एप्लीकेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का पढ़ लिया। अब दूसरा एप्लीकेशन जो हमारे सिलेबस में है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का। ये जो टॉपिक है फंक्शंस के ग्राफ की स्टडी करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसके ग्राफ की हेल्प से हमें बहुत आसानी हो जाती है चीजों को अध्ययन करने में। पहले हम ये समझेंगे कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस होते क्या है। आपने महसूस किया होगा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही आइसक्रीम की सेल बढ़ती चली जाती है। तो अगर टेम्परेचर और आइसक्रीम की सेल को रिलेट करें और एक फंक्शन बनाएं तो ये एक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ही आमतौर पर आइसक्रीम की सेल बढ़ती चली जाती है। और इसी के साथ आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा यानी जैसे जैसे गर्मी का मौसम आया गर्म कपड़ों की सेल खत्म होती चली जाती है, धीरे धीरे जीरो की तरफ अग्रसर हो जाती है। तो ये अगर टेम्परेचर को और गर्म कपड़ों की बिक्री के आंकड़े का एक फंक्शन बनाया जाए तो ये जो फंक्शन बनेगा ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। आइए इसको ग्राफ की हेल्प से भी समझते हैं। अगर हम एक ग्राफ लें और ग्राफ किसी फंक्शन का इस प्रकार से हो, आप ये देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, ये ऐसा ग्राफ है जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ती हैं y की वैल्यूज डिक्रीज होती चली जाती, यानी एक वेरिएबल बढ़ता है दूसरा वेरिएबल कम हो जाता है। तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ, ये डिक्रीजिंग फंक्शन को शो कर। इसके उलट अगर मैं इस प्रकार का ग्राफ देखूं अब आपने देखा कि जैसे जैसे x की वैल्यूज हमने चेंज करी, जैसे जैसे हम x की वैल्यूज को बढ़ाते चले गए वैसे वैसे ही y की वैल्यूज बढ़ती चली गई। तो ये जो फंक्शन हम यहां y इक्वल टू एफ एक्स देख रहे हैं ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ की हेल्प से हम बड़ी आसानी के साथ पता लगा लेते हैं कि ये फंक्शन किस प्रकार का है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब मैं दो फंक्शंस के ग्राफ की चर्चा और करना चाहूंगा और उसके बाद हम इनमें क्या अंतर है ये भी देखना चाहेंगे। ये हमने एक डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ देखा, अब एक ग्राफ और देखते हैं। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में आपने क्या अंतर पाया है? ये भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन ही है लेकिन इन दोनों में फर्क यह है कि कोई इंटरवल ऐसा भी था यहां पर जहां पर फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज नहीं हुआ, कांस्टेंट रह गया। लेकिन ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं फंक्शन एफ एक्स का, ये ऐसा ग्राफ है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज चेंज हुई y की वैल्यूज घटती चली गई, कभी भी कहीं कांस्टेंट नहीं रहा। तो ऐसे ग्राफ जहां पर x के बढ़ने के साथ y की वैल्यूज कम ही होती चली जाएं, कहीं भी कांस्टेंट भी ना हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कह रहे हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये दोनों में फर्क है। जो
डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसमें कभी फंक्शन कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में फंक्शन हमेशा डिक्रीज ही होता चला जाए। इसी तरीके से बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस की। अगर हम इस तरीके के ग्राफ्स कभी देखते हैं तो हम यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ रही हैं, वैसे वैसे y की वैल्यूज भी बढ़ती चली जाती हैं, कहीं किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती। तो ये जो फंक्शन है ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप समझ गए होंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या फर्क है, डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या फर्क है। ये तो हमने ग्राफ के द्वारा इन फंक्शंस के बारे में पढ़ा, लेकिन आप जानते हैं हर बार किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना आसान भी नहीं होता है, टाइम टेकिंग भी ये प्रोसीजर हो जाता है। तो हम मैथमेटिकली विदाउट ग्राफ भी क्या हम पता लगा सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आइए देखते हैं, हम पहले इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। अगर कोई फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन की हम बात करें, अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में डिफाइन हो रहा है, सपोज फंक्शन एफ एक्स है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन एन इंटरवल इन इंटरवल का नाम हम आई से डिनोट कर देते हैं, और उस इंटरवल में x1 और x2 दो वैल्यूज हैं, और इस तरीके की वैल्यूज हैं ये कि x1 x2 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है। अगर x1 x2 से ग्रेटर है और या इक्वल है और फंक्शन की x1 पर जो वैल्यू है फंक्शन की x2 पर वैल्यू से इक्वल ही हो जाए या ग्रेटर ही हो जाए, तो इस तरीके के फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। किसी फंक्शन के इंटरवल में से हम दो वैल्यूज लेते हैं x1 और x2, x1 ग्रेटर और इक्वल टू x2 है और fx1 भी ग्रेटर और इक्वल टू fx2 हो जाए, तो इस तरीके के फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और अगर हम बात करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस की, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि फंक्शन वही लेना है और इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन एन इंटरवल, इंटरवल का नाम हम आई रख दें, और उस इंटरवल में से हम दो एलिमेंट्स लेते हैं x1 एंड x2, और ऐसे एलिमेंट्स हैं कि x1 x2 से ग्रेटर हो। अगर x1 ग्रेटर देन x2 है और फंक्शन की x1 पर वैल्यू ग्रेटर देन fx2 हो जाए, तो इस तरीके के फंक्शंस को हम कहते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप दोनों का फर्क समझिए, अगर ग्रेटर और इक्वल टू है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और केवल ग्रेटर है तो वो फंक्शन फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसी प्रकार से हम डिक्रीजिंग फंक्शन को भी समझेंगे। अब डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, कोई फंक्शन एफ एक्स किसी इंटरवल में अगर डिफाइन किया जाता है और वहां उस इंटरवल में से हम दो एलिमेंट्स लेते हैं एक्स वन और एक्स टू, और ऐसे वो एलिमेंट्स हैं कि एक्स वन की वैल्यू एक्स टू से आइदर ग्रेटर है या उसके इक्वल है, और अगर फंक्शन की
एक्स वन पर वैल्यू फंक्शन की एक्स टू पर वैल्यू से लेस हो जाए या इक्वल हो जाए, तो इस तरीके के फंक्शंस को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब बात करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए हम इसी तरह से कोई फंक्शन लेते हैं एफ एक्स, उसका कोई इंटरवल लेते हैं, उस इंटरवल में से दो एलिमेंट्स लेते हैं एक्स वन और एक्स टू। अगर एक्स वन और एक्स टू ऐसे एलिमेंट हैं कि एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू है, लेकिन फंक्शन की एक्स वन पर वैल्यू फंक्शन पर एक्स टू की वैल्यू से कम हो जाए, तो इस तरीके के फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या अंतर है। हम इस एक्सरसाइज में जब फंक्शंस की बात करेंगे तो नॉर्मली हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस की ही बात करेंगे। तो ये तो एक तरीका हुआ एल्जेब्रिकली जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब बात आती है कि क्या और भी कोई तरीका है जिसकी हेल्प से हम किसी फंक्शन के बारे में ये डिसाइड कर सकें कि ये फंक्शन इस समय स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसके लिए जो हमने डेरिवेटिव्स पढ़े हैं ये बड़े हेल्पफुल हैं और बहुत आसानी के साथ हम किसी फंक्शन के बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए हमें सिर्फ ये थ्योरम याद रखनी है कि अगर कोई फंक्शन, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा। किसी फंक्शन को हम कहते हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अगर हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड करा और उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आ जाए। इसी तरह से अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर और इक्वल टू जीरो आता है तो हम कहते हैं ये फंक्शन सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरीके से अगर कोई फंक्शन, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उस केस में जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो नेगेटिव होगा। तो फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन ये डिसाइड कर देता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब इन बातों को हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रॉब्लम्स की हेल्प से समझेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी बुक की एक्सरसाइज 6.2 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक फंक्शन हमें दिया हुआ है 3x प्लस 17। फंक्शन 3x प्लस 17 है, हमें ये करना है कि ये फंक्शन x के हर वैल्यू के लिए, एवरी रियल वैल्यू के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सबसे आसान तरीका है कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उसके साइन की हेल्प से ही हम डिसाइड कर लेंगे कि ये फंक्शन कैसा है। हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, एफ डैश एक्स मिलता है हमें और वो कितना मिला, 3 मिला। एफ डैश एक्स आपने देखा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ग्रेटर देन जीरो है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो है और जब फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसका मतलब जो ये फंक्शन है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स कैसी क्वांटिटी है, यानी एक्स कैसा भी रियल नंबर हो,
एफएक्स तो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहने वाला है। अब एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्वेश्चन है एफएक्स, ये सेकंड क्वेश्चन है और एफएक्स है ई रेस टू पावर 2x। हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं इसी तरीके से, एफ डैश एक्स ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते ही हैं, ई रेस टू पावर एक्स ही होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा ई रेस टू पावर 2x। फिर 2x का डिफरेंशिएशन और करेंगे वो हो जाएगा 2। अब ई रेस टू पावर 2x के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि x जैसा भी हो, चाहे x की तीन प्रकार की वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, यहां पर x या तो पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो e रेस टू पावर 2x पॉजिटिव हो गई, x की वैल्यू 0 अगर होती है तो उस समय e रेस टू पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। अगर मान लो x नेगेटिव वैल्यू है, सपोज हम मान ले -1 है, तो e रेस टू पावर -2 की वैल्यू क्या होगी, 1/e² हम इसको लिख सकते हैं। और ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का रेसिप्रोकल भी अगर हम फाइंड करेंगे तो मिलेगा तो पॉजिटिव ही, यानी एक्स चाहे जैसा भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, इस क्वांटिटी की वैल्यू हर हालत में पॉजिटिव ही होगी। तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू रियल नंबर ई रेस टू पावर 2x इज ग्रेटर देन 0, therefore f dash x is greater than 0। जब f dash x greater than 0 है तो हम कह सकते हैं कि fx is strictly increasing function। ये एक strictly increasing function। आपने देखा भी होगा e रेस टू पावर x का जो ग्राफ होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है, जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ती जाती हैं e रेस टू पावर x की वैल्यूज भी बढ़ती चली जाती हैं। तो आप ग्राफ की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। ये जितने भी हम शुरू में क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं सब स्टैंडर्ड कर्व्स हैं, इनके रिजल्ट्स भी हमें याद रहे तो बहुत अच्छी बात। अब की बार जो कर्व है वो है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और इस कर्व के बारे में हमें बताना है कि 0 से π/2 के इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन π/2 से π वाले फंक्शन जो इंटरवल है वह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये जैसा भी है इसका पता इसके डेरिवेटिव की हेल्प से लगेगा, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो एफ डैश एक्स यहां पर कॉस एक्स होगा। अब एफ एक्स किस टाइप का फंक्शन है ये कॉस एक्स को डिसाइड करना है। आप जानते हैं कि जब x हमने 0 से π/2 के क्लोज इंटरवल में लिया तो उस स्थिति में cos x, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, यहां पर हर हालत में ग्रेटर देन 0 ही होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन 0 to π/2। 0 से π/2 का जो इंटरवल है उसमें ये हमारा जो फंक्शन है साइन एक्स वाला वो इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर सेकेंड पोर्शन की हम बात करें, जब एक्स π/2 से π के बीच में है, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कॉस एक्स नेगेटिव,
तो cos x उस समय नेगेटिव होगा, और cos x नेगेटिव होने का मतलब है कि fx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंटरवल होगा 0 से π/2 से π। तो यानी ये फंक्शन 0 से π/2 तक इंक्रीज करता है और π/2 से π तक डिक्रीज करता है। आप इस तथ्य की पुष्टि इसके ग्राफ से भी कर सकते हैं। आपने साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा हुआ है, साइन एक्स का ग्राफ आपने देखा है इस तरीके का, यहां x इक्वल टू 0 है, π/2 पर वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, पाई 0 से π के बीच में ही हम स्टडी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 0 से π/2 तक फंक्शन का ग्राफ ऊपर उठता हुआ है, यानी 0 से π/2 के इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन π/2 से π के बीच में जो ग्राफ है वो नीचे जाता हुआ है, यानी कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से आप cos x के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखें, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको सीधे रिजल्ट्स भी काम आते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो एक एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है 2x³ - 3x² क्वेश्चन नंबर 5 है, fx = 2x³ - 3x² - 36x + 7। इस फंक्शन के बारे में हमें बताना है कि किस इंटरवल में यह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस फंक्शन इंटरवल में यह फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ऐसे जो क्वेश्चंस आए हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। तो एफ डैश एक्स होगा 6x² - 6x - 36। 6 आप कॉमन ले लें, x² - x - 6 हमें मिल जाता है 6 कॉमन लेने के बाद। इसके बाद हम इसके फैक्टर्स भी कर देते, जब हम फैक्टर करेंगे तो हमारे फैक्टर्स होंगे x - 3 और x + 2। आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि जिसके फैक्टर्स हम आसानी के साथ कर पाए। अब आप जो f'x मिला है फैक्टराइज फॉर्म में उसको आप 0 के इक्वल रख लीजिए और क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। f'x को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो मुझे ये क्रिटिकल वैल्यूज मिली, x - 3 और x + 2 को मैं 0 के इक्वल रखता हूं तो मुझे x की वैल्यूज मिलती हैं, एक 3 मिलती है और एक -2 मिलती है। ये जो दो वैल्यूज होती हैं, कहीं 2 मिलेंगी या 3 मिलेंगी, डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन किस डिग्री का है। जितनी डिग्री का फंक्शन होगा उससे एक कम हमें ये वैल्यू मिलेगी। अगर 3 डिग्री का है तो हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, अगर फंक्शन 4th डिग्री का है तो हमें x की 3 वैल्यूज मिलेंगी। ये जो वैल्यूज होती हैं ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं और फंक्शन इन पॉइंट्स पर टर्न करता है। हम इन्हीं की हेल्प से पूरे रियल नंबर्स को इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर ये 2 क्रिटिकल वैल्यूज मिलती हैं तो हम 3 इंटरवल बना लेते हैं रियल नंबर्स के, और 3 क्रिटिकल वैल्यू मिलती हैं तो हम 4 नंबर्स बना लेते हैं, 4 इंटरवल्स बना लेते हैं। अब मैं 3 इंटरवल्स में चर्चा करूंगा। नाउ वी डिवाइड रियल नंबर्स इन
थ्री इंटरवल्स। पहला जो इंटरवल होगा, पहला इंटरवल है अगर एक्स थ्री से लेस है, दूसरा है एक्स की वैल्यू, पहला इंटरवल हम लेंगे माइनस टू से लेस। आपको यह देखना है कि जो हमें एक्स की वैल्यूज मिली हैं उनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे छोटी वैल्यू से छोटी वैल्यूज हमें रखनी है। दूसरा इंटरवल हम लेंगे जब एक्स की वैल्यू माइनस टू और थ्री के बीच में है। तीसरा इंटरवल ले लेंगे जब एक्स की वैल्यू थ्री से ग्रेटर है। इन तीनों ही इंटरवल्स में हम बारी बारी से फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं, केस फर्स्ट है हमारा जब एक्स माइनस टू से लेस है, उस समय एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा वो इक्वेशन टू की हेल्प से मालूम करेंगे। एक्स की वैल्यू माइनस टू से कुछ लेस है, सपोज आप माइनस टू से लेस कोई वैल्यू माइनस टू पॉइंट वन कंसिडर कर लें, तो माइनस टू पॉइंट वन और माइनस थ्री को जब ऐड करेंगे तो हमें एक नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी। माइनस टू पॉइंट वन प्लस टू को करेंगे तो भी नेगेटिव क्वांटिटी ही हमें मिलेगी, और दो नेगेटिव क्वांटिटीज को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब जब एक्स माइनस टू से लेस है उस समय फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इन दिस इंटरवल एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि हमने देखा फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। दूसरी स्थिति की बात करें, दूसरी स्थिति है कि x की वैल्यूज माइनस टू से और थ्री के इंटरवल में हो, इस ओपन इंटरवल में, तो उस समय f डैश x क्या होगा। x क्योंकि माइनस टू से तो बड़ा है, थ्री से छोटा है, तो कोई भी एक वैल्यू उस इंटरवल में ले लें, जैसे सपोज हम जीरो ले लें, और हम जीरो का अगर यहां यूज करते हैं तो हमें मिलेगा जीरो माइनस थ्री एक नेगेटिव क्वांटिटी और जीरो प्लस टू पॉजिटिव क्वांटिटी। तो सिक्स इंटू नेगेटिव क्वांटिटी इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी, एक नेगेटिव और पॉजिटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट होगा नेगेटिव, और इसलिए हम कहेंगे कि इन माइनस टू के और थ्री के जो इंटरवल में फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इस इंटरवल में हो जाएगा। अब तीसरी स्थिति की बात करते हैं, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ जाती, तो उस समय f डैश x कितना हो उसका साइन फाइंड करते हैं। अगर x 3 से ग्रेटर है, सपोज 3.1 है, तो 3.1 माइनस 3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, 3.1 प्लस 2 ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होगा, और दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर x 3 से ग्रेटर है तो इस इंटरवल में फंक्शन जो होगा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उसके बाद हम जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले इंटरवल्स हैं उनको हम इकट्ठा लिख देंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले जितने इंटरवल्स हैं उनको हम इकट्ठा लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने शुरुआत की है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की। अगले लेक्चर में हम इनकी कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।